नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हम करेंगे आज के एपिसोड की शुरुआत। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक ऑफलाइन सेशन है ऑन फाइनेंशियल गोल प्लानिंग ऑन 28 अक्टूबर, दैट इज इन पुणे। सैटरडे है उस दिन। एंड अगर आप पुणे में हैं या फिर पुणे में ट्रैवल कर सकते हैं, देन डू रजिस्टर फॉर दिस सेमिनार। ये आपके टाइम के वर्थ होगा, ये मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी न्यूज के साथ, जहां पर सबसे पहली न्यूज ग्लोबल इकोनॉमी की है अबाउट चिप शॉर्टेज। चिप यानी सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज। तो सेमीकंडक्टर चिप्स से रिलेटेड जो स्टॉक्स है यूएस मार्केट्स में, वो कल ओपनिंग के समय पर नीचे ओपन होते हुए नजर आए। एंड उसका रीजन ये है कि यूएस गवर्नमेंट ने ये मूव किया है कल टू क्लोज द लूप होल्स इन द एआई चिप एक्सपोर्ट टू चाइना। तो इससे होगा ये कि सेमीकंडक्टर्स का जो मार्केट है, उसमें यूएस ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्लेयर है, जो डिजाइनिंग में एक बहुत महारत रखता है। एंड वहां से ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है टू चाइना, जहां पर ये बन के फाइनल प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं। लेकिन अगर यूएस गवर्नमेंट ये डिसीजन लेने वाला है कि हम चाइना को एक्सपोर्ट्स कर्व करेंगे, तो ये एआई बेस्ड कंपनी या फिर चिप मेकिंग कंपनीज के लिए अच्छी बात नहीं है इन द यूएस। एंड वही होता हुआ नजर आया। स्टॉक्स लाइक एनवीडिया वाज डाउन बाय 6%, एएमडी का स्टॉक डाउन था बाय 4%, इंटेल वाज डाउन बाय अराउंड 2 to 3%। तो ये न्यू रूल्स है बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे मुश्किल होने वाला है चाइना को एक्सपोर्ट मेनली ऑफ एआई एंड अदर एडवांस्ड यूएस चिप्स। मेनली ये ऑब्जेक्टिव इस मूव का यही है कि जो वीकनेसेस है उनके एक्सपोर्ट कंट्रोल्स में, जो 1 साल पहले लाए गए थे, तो उसके वीकनेसेस कम करना, यही यहाँ का मेन उद्देश्य यहाँ पर यूएस की गवर्नमेंट का है। जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एसोसिएशन है, जो यूएस की अपनी बॉडी है, उन्होंने इस पर एक खेद जताया है। उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है अपनी ही गवर्नमेंट को, कहते हुए कि इससे बहुत सारे पोटेंशियल डैमेजेस हो सकते हैं यूएस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को। एंड इससे जो नेशनल सिक्योरिटी एनहांस करने के मेजर्स है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकते हैं। एंड फॉरिन कस्टमर्स जो है उनके, वो अल्टरनेटिव सोर्सेस सीक कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी गुड फॉर द यूएस कंपनीज। तो ये उन्हीं के एसोसिएशन ने यहाँ पर उनकी मूव को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है। अगली न्यूज है यूएस के रिटेल सेल्स नंबर की, जिनके नंबर्स काफी अच्छे आए हैं उनकी इकोनॉमी के लिए। रिटेल सेल्स हैव इंक्रीज्ड बाय 0.7% लास्ट मंथ। दिस इज अ मंथ ऑन मंथ इंक्रीज। डेटा जो अगस्त के लिए आया था वाज रिवाइज्ड हायर टू शो कि सेल्स जो है वो 0.8% से इंक्रीज हो रही है, कंपेयर टू 0.6 जो प्रीवियसली रिपोर्ट हुआ था। तो अगस्त के रिवाइज हो गए ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड। एंड जो रिसेंट मंथ के सेल्स नंबर्स आए हैं, वो भी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर ही आए हैं। मेनली जो हाउस होल्ड है, उन्होंने परचेजेस बढ़ा दिए है ऑफ मोटर व्हीकल्स। दे हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर एट रेस्टोरेंट्स एंड बार्स। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी रिकवर होती हुई नजर आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है वो कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इसका कॉग्निजेंस लिया है। एंड इससे इनफैक्ट रिस्क बढ़ रही है कि फेडरल रिजर्व शायद एक और रेट हाइक ले, बिकॉज अगर इकोनॉमी स्लो डाउन के साइंस नहीं दिखा रहा, तो शायद फेडरल रिजर्व ये सोच सकता है कि हमें शायद एक और रेट हाइक से इकोनॉमी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। द इकोनॉमी कैन एब्जॉर्ब वन मोर रेट हाइक, ऐसा शायद फेडरल रिजर्व सोच सकता है, जिसके चलते इक्विटीज में थोड़ी सी वीकनेस रही कल। नैसडैक एंड डाउ जोन्स ओपन्ड ऑन अ फ्लैट नोट, इनफैक्ट नीचे ही थे ये दोनों इंडेक्सेस कल एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। एंड वही उनकी इंडेक्सेस में क्लियर नजर आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर सिटी के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हेड ने ये कहा है कि इंडिया इज नाउ अ शाइनिंग स्टार ऑफ एशिया। इसके पीछे का रीजन उन्होंने ये बताया है कि इंडिया के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, ये दोनों काफी स्ट्रांग है, जिससे ये एक एक्साइटमेंट एक्साइटिंग मार्केट बन रहा है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से इंडिया बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट बनेगा, ऐसा भी उनका यहाँ पर कहना है। जो बुलिश सेंटिमेंट उन्होंने एक्सप्रेस की है, वो मेनली इंडिया के मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इक्विटी मार्केट्स को देखकर उन्होंने यहाँ पर एक काफी बुलिशनेस जताई है। हायर इंटरेस्ट रेट से करंटली जो डील्स होते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के, वो थोड़े से इंपैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि आगे जाके इक्विलिब्रियम एक्सपेक्टेड है। यानी आगे चल के जब इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट थोड़े से बेटर होंगे, तब इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज हो सकती है। सिटी का लॉन्ग टर्म बुलिश आउटलुक है ऑन द टेक्नोलॉजी सेक्टर एज अ होल। तो एक और एक एडिशनल चीज उन्होंने यहां पर बताई कि दे आर वेरी बुलिश ऑन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। गवर्नमेंट सोच रहा है टू इंट्रोड्यूस अनदर पीएलआई स्कीम, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर बैटरीज टू रिड्यूस देयर स्टोरेज प्राइस। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर्स को देता है जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि इंसेंटिव देने से
कॉस्ट शायद कम हो सकते हैं एंड जिसके एडॉप्शन से गवर्नमेंट को खुद को काफी फायदा हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड क्लीन एनर्जी रिलेटेड बहुत सारी चीजों के पीएलआई ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो वहीं पर एक और पीएलआई बैटरीज के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ला सकती है, जिससे स्टोरेज कॉस्ट जो है बैटरी की पर प्राइस पर यूनिट जो कॉस्ट है वो शायद यहाँ पर कम हो जाए। मई 2021 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी पीएलआई स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, एसीसी जिसे कहते हैं। 18,000 करोड़ का वो पीएलआई स्कीम था। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए भी 25,900 करोड़ का बूस्ट गवर्नमेंट ने थ्रू अ पीएलआई स्कीम दिया था। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव दिए हैं यहाँ पे। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उनका ये कहना है कि अब तक वर्ल्ड की जो बैटरी मेकिंग कैपेसिटी थी दैट वॉज अबाउट 4 to 5 गीगावाट्स, इतने कम कैपेसिटीज पर कॉस्ट हमेशा ज्यादा होंगे एंड जो कस्टमर्स होंगे उनको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे स्टोरेज हम और बढ़ाएंगे एंड इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो जो कॉस्ट है वो नीचे आती जाएगी एंड इट विल बिकम मोर एंड मोर अफोर्डेबल फॉर द मासेस, ऐसा पावर मिनिस्टर का यहाँ पर कहना था। कर्नाटका की स्टेट ने प्रोजेक्ट किया है 42% डिक्लाइन इन शुगर आउटपुट एट 34.51 लाख टन फॉर द नेक्स्ट सीजन, 2023-24 सीजन जो आएगा उसके लिए। शुगर केन क्रॉप का 1 साल का हार्वेस्ट सीजन होता है एंड इसका जो हार्वेस्टिंग यानी एक्चुअल कटिंग एंड क्रशिंग सीजन होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर टू समवेयर अराउंड मार्च। लेकिन जो जिस तरीके से रेनफॉल अभी आ रहा है एंड जिस तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज अभी हो रही है उससे आने वाले ईयर के जो केन केन के प्रोडक्शन है वो प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। तो वहीं से प्रोजेक्शन आ रहा है कि अगले साल हो सकता है देयर माइट बी अ वेरी मेजर डिक्लाइन इन शुगर केन आउटपुट्स। मेनली उसका रीजन यही है कि केन शुगर केन का जो शुगर केन क्रॉप का ही आउटपुट शायद घट सकता है एंड शुगर की रिकवरी भी लेस हो सकती है। रिकवरी लेस होना मतलब जो यील्ड आता है शुगर केन से, 1,000 केजीज शुगर केन क्रश करने से कितना शुगर का आउटपुट आता है वो भी डिपेंड कर सकता है ऑन द सुक्रोज कंटेंट इन द शुगर केन जूस। तो वो भी अगर रिकवरी कम रही तो उससे शुगर का आउटपुट जो है वो कम हो सकता है अगले साल में। शुगर का प्रोडक्शन जो है शुगर का प्रोडक्शन पिछले साल में यानी करंट जो ईयर है वो खत्म हो रहा है उसमें 59.81 लाख टन था। आने वाले साल में ये कितना नीचे होगा प्रोजेक्शन के हिसाब से नीचे होगा या नहीं ये देखना जरूरी होगा। इथेनॉल का प्रोडक्शन के की जहां तक की बात आती है तो वो हालांकि प्रोजेक्टेड है कि थोड़ा सा ज्यादा होगा अगले साल में, 40 करोड़ से ज्यादा होगा एज अगेंस्ट 35 करोड़ लीटर्स दैट इज इन दिस प्रीवियस सीजन। तो जहां तक की इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स है वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन जो है आप ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी से भी कर सकते हो, आपको शुगर केन बेस्ड प्लांट ही शुगर केन बेस्ड डिस्टिलरी होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। देर आर अबाउट 77 ऑपरेटिंग मिल्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका जिसमें से 34 के पास एक अटैच्ड डिस्टिलरी है जहां पर इथेनॉल बनाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की और रिजल्ट्स की बात हमें मेनली करनी होगी। बजाज फाइनेंस ने अपने Q2 का रिजल्ट्स पोस्ट किए। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो इंक्रीज हुआ है बाय 28% एंड इट हैज रीच्ड द फिगर ऑफ 3,551 करोड़। मोर और लेस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही रहा है रिजल्ट। ऑब्वियसली मैनेजमेंट हमेशा हायर गाइडेंस देती है एंड पास्ट में हमेशा से कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिया है दैट हैज बीटन द गाइडेंस दैट देयर मैनेजमेंट हैज गिवन। कहीं ना कहीं ये उनकी जो गाइडेंस लिमिट्स है वो टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट माइट सी की पिछले जो गाइडेंसेस थे उसके मुकाबले कंपनी ने बेटर परफॉर्मेंस दिया था यहाँ पर, दिस इज समवॉट इक्वल टू द गाइडेंस दैट द कंपनी गिव्स। हो सकता है मार्केट माइट परसीव इट इन अ नेगेटिव वे बट वॉट रिमेन्स अ फैक्ट इज कि इनकी जो असेट्स असेट साइज जैसी ग्रो हो रही है, न्यू लोन जितने ग्रो हो रहे हैं, असेट क्वालिटी जितनी उन्होंने मेंटेन की है, इट रिमेन्स क्वाइट गुड इन द सेक्टर इन विच इट इज ऑपरेटिंग राइट नाउ। एज पर द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो कंपनी ने दिया है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कंप्रेस हो गया है बाय 14 बेसिस पॉइंट्स ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। मेनली कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है कंपनी के लिए वो इस क्वार्टर में इंक्रीज हो गया जिससे उनका मार्जिन जो है वो कम होता हुआ नजर आया है। असेट क्वालिटी की जहां तक बात आती है वो इम्प्रूव हुआ है। जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है दैट स्टूड एट 0.91%, नेट एनपीए रेशियो स्टूड एट 0.31%। पिछले क्वार्टर्स में ये ज्यादा हुआ करता था, पिछले ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में 1.17% होता था ग्रॉस एनपीए, तो उसके मुकाबले असेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई नजर आई। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर है 28% भी हमें थोड़ा सा कम ग्रोथ लग रहा है। उसका मेन रीजन यही है कि कंपनी ने जो प्रोविजंस लिए हैं उनके बुक्स में प्रोविजन अगेंस्ट लोन लॉसेस वो इस क्वार्टर में बढ़ गए हैं ₹2,077 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी Q2 ऑफ FY23 में ये 734 करोड़ का हुआ करता था।
FY24 का गाइडेंस हालांकि इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर उनके प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं रहा है। हालांकि Q1 में उन्होंने FY24 का गाइडेंस दिया था, माइट बी अ मिस्टेक फ्रॉम देयर पार्ट और मे बी इट्स एन इंडिकेशन कि वो गाइडेंसेस देने में ज्यादा करंटली ध्यान नहीं देना चाहते। टाटा एलिक्सी के Q2 रिजल्ट्स कल आए जहां पर उनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बाय 15% टू 200 करोर्स। 585 न्यू एम्प्लॉइज इस कंपनी ने ऐड किए इन दिस क्वार्टर। कंपनी के जो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस है वो 882 करोर्स है, यानी रेवेन्यू भी अराउंड 15-16% से बढ़ गया है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी का जो रेवेन्यू है अगर उसको हम क्वार्टरली कंपेयर करें तो सिर्फ 3.4% की ग्रोथ है, जबकि 10.1% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ऑन अ कॉन्स्टेंट करेंसी बेसिस। नेट जो ऑपरेटिंग मार्जिन की जहां तक बात आती है 29.9, सो अगेन 29.9% इज अ वेरी गुड ऑपरेटिंग मार्जिन एंड दे आर लुकिंग लाइक दे आर मेंटेनिंग इट सो फार। ट्रांसपोर्टेशन यूनिट जो है, नाउ टाटा एलेक्सी इज इनटू अ लॉट ऑफ सेक्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन यूनिट जो है दैट इज क्वाइट कंपेरेबल टू व्हाट इज द बिजनेस ऑफ केपीआईटी टेक इन दिस सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन यूनिट का जो ग्रोथ है वो 7.1% रहा ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 26% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखी है मेनली बिकॉज ऑफ लार्ज डील्स एंड स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन नजर आ रहा है इन द कंपनी डिफाइंड व्हीकल सेगमेंट। हेल्थ केयर बिजनेस की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो बेसिस पर रही, 8.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ओवरऑल 15% का ग्रोथ फॉर अ कंपनी दैट इज वैल्यूड एट मोर देन 60 राइट नाउ, मे बी द स्ट्रीट और मे बी द इन्वेस्टर्स विल फील कि थोड़े रिजल्ट थोड़े से लैक लस्टर है कंपेयर टू द वैल्यूएशन जिन पर ये कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है। सिंजन इंटरनेशनल ने भी अपने Q2 के रिजल्ट्स कल डिक्लेयर किए। 14% से कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है टू 117 करोर्स। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 910 करोर्स रहा ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, जबकि प्रीवियस ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में ये 768 करोर्स रहा था। कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में कमेंट करते हुए उनके MD ने कहा कि लॉन्ग टर्म सेक्टर फंडामेंटल्स जो है वो अभी भी उन्हें स्ट्रांग नजर आ रहे हैं एंड जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूड रहेगी बट लोअर लेवल पर रहेगी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। तो ये उन्होंने गाइडेंस यहाँ पर एडिशनल दिया है। शॉर्ट टर्म स्लोइंग जो है वो मेनली US की बायोटेक सेगमेंट में ही नजर आ रहा है जो इनकी ऑर्डर बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि US में जो हायर रेट्स की वजह से एक स्लोड ग्रोथ नजर आ रही है उसका जो भी कंपनीज US की ग्रोथ पर डिपेंडेंट है उन पर थोड़ा सा असर शायद इस सेकेंड हाफ में पड़ सकता है। IT डिपार्टमेंट ने रेस की है डिमांड फ्रॉम टेलीकॉम ऑपरेटर्स, ऐसा कुछ एनालिस्ट का कहना है। IT डिपार्टमेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, लाइसेंस फीस जो पे होती है बाय द सर्विस प्रोवाइडर वो दे आर बीन इंक्लूडेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसके चलते हो सकता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर यानी मेनली एयरटेल एंड जियो को एडिशनल इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है टू द ट्यून ऑफ ₹14,000 करोड़। हालांकि ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये सारे टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल एंड जियो एक रिव्यू पिटिशन भी फाइल करेंगे जिससे हो सकता है कि ये जो लाइबिलिटी है वो शायद उन्हें ना देनी पड़े। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग बैटल अबाउट दी एडिशनल फीस एडिशनल रेवेन्यू जो प्रॉब्लम टेलीकॉम सेक्टर में होता था फॉर द स्पेक्ट्रम चार्जेस, उसके बाद एक और टैक्स रिलेटेड इशू यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है इन द टेलीकॉम सेक्टर, ऑल्दो द अमाउंट इज नॉट वेरी ह्यूज। IRCTC ने टाई अप किया है विद जोमैटो फॉर डिलीवरी ऑफ प्री ऑर्डर मील्स। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो IRCTC जोमैटो के साथ करंटली कर रहा है। तो जो उनके फूड सर्विस ऑप्शंस है वो एक्सपांड करने के लिए IRCTC ने यहाँ पर टाई अप किया है विद जोमैटो टू हैव अ प्री मील प्री ऑर्डर्ड मील। ये उन्होंने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कल इन्वेस्टर्स को बताया। एज ऑफ नाउ ये जो सर्विस है ये मेनली सिर्फ 5 रेलवे स्टेशन पर होगी, न्यू दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी। तो यहाँ पर देखना जरूरी होगा कि कैसे ये एक्सपेरिमेंटेशन वर्क करता है। इफ दैट हैपेंस देन जोमैटो जैसी कंपनी के लिए इट विल ओपन लार्ज लीवर्स ऑफ प्ले, बिकॉज जब आप किसी ट्रेन में होते हो तब आप एक कैप्टिव ऑडियंस होते हो टू वॉट एवर द फूड इज बीइंग सर्व्ड इन द ट्रेन। लेकिन अगर जोमैटो जैसे ऑप्शंस ओपन अप होते हैं, ऑलरेडी डोमिनोज ऑपरेट करता है ऐसी चीजों में, बट जोमैटो जैसे ऑप्शंस अगर अवेलेबल होते हैं तो इससे एक अच्छा ग्रोथ लीवर हो सकता है फॉर कंपनीज इन द QSR कैटेगरी। आज के कुछ की रिजल्ट्स जिन पर मैं नजर रखने वाला हूँ इंक्लूड पॉलीकैब, एस्ट्रॉल, बजाज ऑटो, LTI माइंडट्री एंड ICICI लॉम्बार्ड। सो ये थी सारी आज की न्यूज। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, हमारे मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन पे, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। सो US की जो ड्रग इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहां पर एक नया ड्रग आया है जिसे GLP-1 कहते हैं। ये मेनली एक ऐसा ड्रग होता है जिससे आप विच इज बेसिकली फॉर ओबेसिटी। ओबेसिटी एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है US के डेमोग्राफिक में
मोर देन 50% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन इज ओबीज। तो ओजेम्पिक उस ड्रग का नाम है विच इज मेड बाय अ कंपनी कॉल्ड एली लिली। तो ओजेम्पिक ये जो ड्रग है दैट इज कॉजिंग पीपल टू बाय लेस फूड, ऐसा वॉलमार्ट के सीईओ का कहना है। नाउ ये जो ड्रग है इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं विच विल परकोलेट टू अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड वही देखा गया है रिसेंटली एक एनालिसिस के हिसाब से, एआई बेस्ड जो बास्केट थी कि अगर आप एआई थीम पर बेट कर रहे हो तो उसमें कौन से स्टॉक्स है, उस बास्केट को GLP-1 बास्केट जो है वो बीट कर रहा है। तो जो कंपनीज GLP-1 में है उन पर ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि दे आर गोइंग टू हैव ह्यूज ग्रोथ लीवर्स इन द फ्यूचर। ओजेम्पिक एंड देर इज वन अनदर ड्रग दैट इज गेटिंग वेरी पॉपुलर इन द यूएस। तो बेसिकली इससे होता ये है कि अगर कोई ओबीस पर्सन है हु इज ओवरवेट, तो उनको ये ड्रग लेने से इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ बीइंग फुल, तो आप ज्यादा खा नहीं पाते हो ये ड्रग लेने के बाद। तो इससे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वेट लॉस जो है वो थोड़ा सा, वेट वेट गेनिंग का जो है वो थोड़ा सा कर्व हो जाए एंड पीपल कैन हैव सर्टेन टाइप ऑफ वेट लॉसेस। ऑब्वियसली हर एक ड्रग के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ऑलरेडी रिसर्च किया जा रहा है कि क्या साइड इफेक्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन इलॉन मस्क ने रिसेंटली ये बताया था कि जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है विद ओबेसिटी वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द साइड इफेक्ट्स दैट दिस टाइप ऑफ ड्रग्स कैन गिव। तो अगर ये ड्रग्स ज्यादा लोग कंज्यूम करना शुरू करते हैं इन यूएस जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन एक्चुअली ओबीज है, तो इससे क्या क्या इंडस्ट्रीज पर असर पड़ सकता है? कुछ एनालिस्ट का ये कहना है, बार्कलेस ने ये सजेस्ट किया था कि जो जंक फूड के स्टॉक्स है उन्हें शॉर्ट करना कंसिडर करना चाहिए यूएस मार्केट्स में। यू कैन इवन टेक अ लॉन्ग टर्म शॉर्ट पोजिशन एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि बाय 2035 7% ऑफ द अमेरिकन्स विल बी टेकिंग वेट लॉस मेडिसिंस। तो ये फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत बैड न्यूज है। यूएस की जो फूड इंडस्ट्री है दैट इज वैल्यूड एट $1.5 ट्रिलियन। फूड इंडस्ट्री के लिए एक बुरी चीज हो सकती है, जंक फूड्स शायद ज्यादा लोग खाना पसंद नहीं करेंगे। ऑलरेडी कुछ रिसर्च के हिसाब से जो लोग ऑलरेडी ऐसे ड्रग्स पर है उनके तरफ से ये फीडबैक मिल चुका है कि जंक फूड्स खाने की उनकी प्रोपेंसिटी अब कम हो गई है, दे डोंट फील लाइक ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड्स। तो ये एक मेजर चेंज आ सकता है इन द डेमोग्राफिक्स एंड हाउ द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द फूड इज गोइंग ऑन। इट्स नॉट जस्ट स्नैक्स इंडस्ट्री, इवन स्मोकिंग या फिर अल्कोहल रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है वहां पर भी एक स्लो डाउन, यहाँ पर स्लो डाउन नॉट एग्जैक्टली स्लो डाउन बट डिमांड शायद थोड़ी सी कम हो सकती है इन सम ऑफ दीज सेक्टर्स, क्योंकि उसका अल्कोहल का भी इंटेक कम होता हुआ नजर आया है इन पीपल हु हैव बीन ऑन दिस ड्रग्स। लेकिन सारे बाकी एंसिलरी सेक्टर्स पे इसका बुरा फर्क पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए ये शायद बेटर हो सकता है। एक रिसर्च के हिसाब से यूनाइटेड एयरलाइंस फॉर एग्जाम्पल कुड सेव अप टू £80 मिलियन पर ईयर, क्योंकि अगर पैसेंजर्स के वेट्स ऑन एन एवरेज 10 पाउंड से ड्रॉप होते देन द कंपनी माइट एक्चुअली सेव ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ये सारी जो चीजें हैं कि फूड इंडस्ट्री एंड एयरलाइन इंडस्ट्री पर ये सब चीजों का कितना असर पड़ सकता है, दैट आई फाउंड क्वाइट फैसिनेटिंग कि एक ड्रग से क्या क्या असर यहाँ पर हो सकते हैं। एंड ऑलरेडी द स्ट्रीट इज ट्राइंग टू गेट इन टू टर्म्स विथ वॉट एवर चेंजेस दिस ड्रग कुड ब्रिंग। सो आगे हमें ये देखना होगा कि GLP-1 रिलेटेड ड्रग्स में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स आते हैं, वेदर देर आर एनी साइड इफेक्ट्स दैट आर वेरी चैलेंजिंग टू ह्यूमंस। हो सकता है फार्मा कंपनीज का ये एक और काइंड ऑफ अ गिमिक हो, इट स्टिल रिमेंस, देर आर वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड हमें ये देखना होगा कि क्या क्या यहाँ पर चेंजेस आते हैं। सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंसाइटफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।